नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें एक कलरफुल पॉट थी छोटी सी, तो उस पर सभी ने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाइए कि कैसे कलर किया ये सब, तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बनाते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि एक सिंपल से पॉट्स को हम कलर करके एक खूबसूरत पॉट कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ क्ले पॉट है जिनको यहाँ पे बरवा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा इनमें लस्सी और चाय ये पी जाती है। मैंने एक मेरे व्लॉग में बताया भी था, अगर आपने हमारा सेकंड चैनल ममल एडवेंचर देखा हुआ है तो आपको पता होगा, उस पर मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कैसे चाय पीते हैं इसके अंदर। तो आप उसमें चाय पी सकते हैं, चाय पीने के बाद उसको साफ करके और उसके अंदर ही जो है उसको अपने प्लांट जो है वो लगा सकते हैं, काफी छोटे होते हैं। तो आज इन पर ही हम जो है कलर करके आपको दिखाएंगे। इस गमले का जो प्राइस है वो मेरे यहाँ पे मुझे 3 रुपए का पड़ा है, तो आई थिंक 2 रुपए का इस पे कलर हो जाएगा, तो 5 रुपए में हमारा गमला जो है तैयार हो जाएगा। देखते हैं 5 रुपए में कितना अच्छा गमला हमारा तैयार होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें या जब मैं लाइव आता हूँ संडे को, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लाइव ज्वाइन करके अपनी जो क्वेरी है वो सोल्व कर सके। चलिए शुरू करते हैं। ये डिस्टेम्बर पेंट है, यानी कि जो आपने दीवारों पे देखा होगा, दीवारों पे जो किया जाता था वैसा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आपने देखा होगा दीवारों पे जैसे पपड़ी आ जाती है, ऐसे इसमें पपड़ी आ जाती है, और इससे थोड़ा सा जो क्ले पॉट है वो थोड़ा सा हो सकता है पानी देने से खराब दिखने लगे। क्योंकि मैं इसको सकुलेंट में यूज करूंगा तो मेरे में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सकुलेंट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। बाकी इस वीडियो में जो भी चीजें यूज होगी उन सब का जो है ऑनलाइन लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ताकि आप अगर आपके वहां पे लॉकडाउन की वजह से आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप जो है ऑनलाइन उसको मंगा सकेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम गमले को जो है सैंड पेपर से साफ करेंगे, ताकि जो मैंने बताया था इसको खुरदरापन है वो खत्म हो जाए, और जो ये प्लेन जो है हो जाए, ताकि ब्रश जब चले तो अच्छे से चले और स्मूथनेस जो है वो अच्छी आए। क्योंकि इन पॉट के लास्ट के अंदर जो है फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो वहां पे सैंड पेपर से इसको स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद एक कपड़ा लें और उसको साफ कर लें, क्योंकि जब हमने उस पर सैंड पेपर मारा है तो उसमें आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की धूल सी जो है चिपक जाती है उसकी क्ले की, तो वो अच्छे से साफ कर लें, अदरवाइज जो पेंट करेंगे तो उसमें चिपक जाएगी और जो पेंट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब हम जो हमारा सफेद कलर है पेंट का वो लेंगे। अब इस पॉट पे जो कलर है वो करेंगे पहले सफेद। सफेद कलर करने से, यानी कि सबसे पहले आप सफेद कलर कीजिए, उससे क्या होगा, सफेद कलर करने के बाद अगर आप उस पे कोई भी कलर करेंगे तो उसका जो कलर का जो निखार है वो काफी उभर के आता है, काफी अच्छा लगता है। पूरी पॉट पे अच्छे से हम कलर कर लेंगे। अगर आप 2 बार करते हैं कलर तो आपका जो कलर है और भी अच्छा निखर के आएगा। मैं अभी क्या डेमो दिखा रहा हूँ, तो आपको 2 बार करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी आप इसको 2 बार करेंगे तो और अच्छा आएगा। जो 2 बार करने से क्या होगा, जो ब्रश की जो लाइनिंग सी दिखती है वो नहीं दिखेगी, बिल्कुल प्लेन दिखेगा। तो देखिए हमने बाकी तो कर लिया है, लेकिन अब इसके अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा करना होगा। जब पॉट में प्लांट लगाते हैं तो थोड़ा सा हिस्सा जो है हम खाली छोड़ते हैं, तो वो हिस्सा जो है वो बेकार ना लगे, इसलिए वहाँ पे भी हम कलर करेंगे। तो इसके लिए ज्यादा गहराई तक कलर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 इंच तक जो है आप कलर कर दीजिए। एक चीज का और आपको बता देता हूँ कि बहुत सी क्वेरी ऐसी होती है जिसके अंदर फोटोज दिखानी होती है, यानी कि आप फोटो दिखाएंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम ममल बॉन्साई पे आ सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM जो है वो कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी फोटो चेक करके बता सकूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इस पर दूसरा कलर करने से पहले इसको सूखने देते हैं, और तब तक हम दूसरे पॉट पर जो कलर है वो कर लेते हैं। तो मैंने इन पॉट्स पर जो व्हाइट कलर है वो कर दिया है, अब इन पर थोड़ा थोड़ा दूसरा कलर करेंगे, ताकि और खूबसूरत लगे। बाकी पॉट्स को हम साइड में रख देते हैं। अब इन कलर में से कोई एक कलर लेते हैं, ये रेड कलर जो है ये ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था मेरे पास पेंटिंग का कोई पूरा सेट वगैरह नहीं है, तो मैं ऐसे ही जुगाड़ कर रखा है। तो हम जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जो कलर है उसको मिक्स कर लेंगे। आप अगर अच्छे से काम करना चाहते हैं तो पूरी चीजें रख कर फिर स्टार्ट कीजिएगा, मैं तो सिर्फ डेमो बताने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ। बाकी आप ये सारी चीजें मार्केट्स में मिल जाएगी, जो शॉप होती है बुक्स वगैरह की वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पॉट पे एक लाइन बनाते हैं पहले, ताकि उस लाइन से ऊपर ऊपर के हिस्से को हमें कलर करना है वो पता चल जाए। वैसे ऐसा करने के लिए जो टेप वाला मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक बार इस पॉट का काम फिनिश कर लेते हैं फिर बताएंगे। आप जब ऐसा करें तो आराम से करें, सफाई से करें, जचा के करें, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं इतनी सफाई से और आराम से करूं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अभी भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो आप जब करें तो आराम से करें, और जो टेप वाला मेथड है वो यूज़ कीजिएगा, वो मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। उसमें आपका टाइम भी बचेगा और जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। मैं भी कुछ पॉट्स जो है बाद में वीडियो बनाने के बाद जो तैयार करूंगा वो आराम से करूंगा, और उनका वीडियो तो नहीं, आपको फ़ोटो जो है वो मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे ममल बॉन्साई, फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगी।
आप छोटी ब्रश से थोड़ी सी सफाई से टच देते हैं इसको। आप थोड़ा सा और डिज़ाइन देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जैसा आपको डिज़ाइन अच्छा लगे उस तरह से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। कलरफुल जो पॉट्स होते हैं वो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आगे मैं इस तरह के और भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम जो डेकोरेटिव जो काम है वो करेंगे, यानी कि गार्डन डेकोरेटिव करना, रूम को डेकोरेट करना गार्डनिंग चीज़ों से, ये सब वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने का। आप सब क्या कहते हैं इसके ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के वीडियो देखना अच्छा लगेगा या नहीं। चलिए अब टेप वाला मेथड और दिखा देते हैं आपको। टेप जब लें तो आप कोशिश कीजिए जो बिजली इलेक्ट्रिकल जो टेप होती है वो लें, क्योंकि ये जो टेप है ये इतनी अच्छे से इस पर ना तो चिपकेगी और ना इतनी अच्छे से इसमें फिनिशिंग आती है। तो मेरे पास जो अभी बिजली की टेप नहीं थी तो मैं जो ये टेप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो टेप यूज़ कीजिए, उसका जो है और अच्छा जो है फिनिशिंग आएगी उससे। टेप को लेकर आपको क्या करना है, जो पोर्ट है उसके उस हिस्से पर आप मार दीजिए जहाँ पर आपको जो है कलर नहीं चाहिए। अब हम जो है इसके ऊपर के हिस्से पे कलर करेंगे, नीचे बीच का जो हिस्सा है उस पर टेप लगी हुई है तो वहाँ पे कलर होगा नहीं, तो ऊपर ऊपर के हिस्से पे कलर हो जाएगा। टेप वाला मेथड जो है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा अगर आप अच्छे से इसको यूज़ करेंगे तो। अब जो भी कलर आपको पसंद आए वो आप लेकर लगा सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा कलर ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ मिक्स करके। अब ऊपर के हिस्से में ये कलर कर देते हैं। अब इसको हम सूखने देते हैं। अब थोड़ा रेड कलर बनाते हैं और टेप को उतार देते हैं। अब रेड कलर से एक पट्टी बना देते हैं। अगर ब्रश को आप अच्छे से यूज़ करें, यानी कि अगर हिलाए ना ज़्यादा और अगर आपकी ब्रश अच्छी शार्प है तो उससे आप बिना टेप के भी एक अच्छा जो है टच दे सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, 2-4 पोर्ट पर आप करेंगे तो उसके बाद आपका अच्छे से हाथ जो है वो सेट हो जाएगा। मैं क्या है, मुझे बार बार जो है कैमरे की तरफ ही ध्यान देना होता है तो मैं इतने अच्छे से अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप दो काम एक साथ करते हैं तो इतने अच्छा काम नहीं होता। अगर आप फ्री होकर जो है पोर्ट पे कलर करेंगे तो काफ़ी अच्छा कलर आएगा। वो सब आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पर जब मैं फ़ोटो डालूँगा। तो देखिए कुछ इस तरह से जो कलर है वो हो गए हैं। अब इसमें जो प्लांट है वो लगाएंगे। प्लास्टिक पेंट और डिस्टेम्बर का जो कलर है इसमें काफ़ी फ़र्क है। मुझे जो है प्लास्टिक पेंट जो है उसका काफ़ी अच्छा लगा, उसमें काफ़ी अच्छी चमक है। तो इस पोर्ट के अंदर हम जो है प्लांट लगाएंगे। उससे पहले स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसके अंदर एक होल कर देंगे। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को घुमाकर आप इसके अंदर होल कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, यानी कि जो पोर्ट है ये हल्का ही होता है। तो स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से घुमाने से इसमें जो होल है वो हो जाएगा। देखिए होल हमने जो है कर लिया है। अब हम बाकी पोर्ट्स को एक बार साइड में कर देते हैं। अब पोर्ट्स लेते हैं जिसमें हम लगाएंगे और इसके अंदर जो हमारा सकुलेंट सॉइल जो हमने तैयार कर रखा है वो डालेंगे। हाफ से ज़्यादा जो सॉइल है वो हम पोर्ट में भर लेंगे। अब जो प्लांट है उसे पुराने पोर्ट से निकालेंगे केयरफुली। रूट बॉल जो है वो डैमेज ना करें, केयरफुली निकालें, क्योंकि ये थर्माकोल के ग्लास में है तो ईजिली निकल आएगा। ये देखिए इस प्लांट की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक ठीक रहेगा। हाँ अब ठीक है, अब इसकी हाइट काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। अब इसकी रूट बॉल को थोड़ा लूज़ करते हैं। ये देखिए एक्चुअल में ये दो प्लांट बन गए हैं एक प्लांट से ही, तो मैं सोच रहा हूँ इसको हम अलग कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको केयरफुली जो है अलग कर लेते हैं और प्लांट की जो रूट बॉल है इसको थोड़ा और लूज़ कर लेते हैं अच्छे से। आप प्लांट को पॉट के सेंटर में लगा देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, और जो बाकी सॉइल बच गया है इसको और ऐड कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा झटक कर, इस तरह से आप थोड़ा सा झटकेंगे तो जो सॉइल है वो अच्छे से फील हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास कुछ जो मार्बल पेबल्स होते हैं वो है तो वो हम इसमें डाल देंगे ताकि ऊपर से दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम वाटरिंग कर देंगे।
ये देखिए पानी ड्रेन होने लगा है, इट्स मीन जो वाटरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि जो पानी एक्स्ट्रा वो नीचे से निकल जाए और फिर आप इसको जहाँ पे रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप भी जो कलरफुल पॉट्स है वो बना सकते हैं, पुरानी पॉट्स है तो उनको भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। अगर आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पॉट्स पर कलर करते हैं तो उनकी जो फोटोज़ है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, या आप अपनी स्टोरी में अगर डालते हैं तो स्टोरी में हमें मेंशन कीजिएगा। और आपको इनमें से कौन से पॉट का कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो में जितनी मेहनत मैंने की है वो सफल हुई है। तो ज़्यादा नहीं 500 लाइक आपको कहा है, अगर 500 लाइक मिल जाते हैं तो मुझे लगेगा हाँ अच्छा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।